बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। महाकाल का मंदिर है ना, वह पीपल का झाड़ है एक नीचे, हाँ। वहाँ हमारी क्लास लगती थी सर्दी। बोलू नाराज तो नहीं होंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप अभी पैसे बांटते हैं अपन, अभी हाल आपको छू के दर्शन करा के नहीं आऊँ तो बोलना, 5,000 देना ले जाके आपको छू के दर्शन करा लगा। आम आदमी की तरह जाओ, आम आदमी की तरह अभी चुनाव में आओगे तो हाथ जोड़ के आते कि नहीं आते? तो ऐसे आओ ना। मामा बहुत झूठ बोल दिया है, कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? कस्टमर आया एकदम बिल्कुल सलमान खान माफिक लग रहे हो आप जी। सर फेसबुक के स्टार भी, हमारा मिलियनों में वीडियो चलता है। बाल तो बड़े रंगवा लिए आपने एकदम, अच्छा लग रहा है, एकदम रंगीन लग रहे हो आप। हम नहीं जाते हैं, ये तिब्बत नहीं बैठे रहे अपन, तो इससे आगे नहीं जाते जाते। ऐसा तो नहीं है मतलब धार्मिक प्रतिबंध तो नहीं है? वही प्रतिबंध। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। भैया सियासत देखिए, आजकल बाबा महाकाल खुद सियासत का केंद्र बन गए हैं। भाजपा कह रही है कि उसने 800 करोड़ रुपए खर्च करके महाकाल लोक बनवाया। कांग्रेस कर रही है कि ठीक है आपने महाकाल लोक तो बनवा दिया लेकिन जमकर भ्रष्टाचार किया। आखिर सच्चाई क्या, क्या वाकई में भाजपा ने महाकाल लोक बनवाने में जमकर भ्रष्टाचार किया? आइए यहां की जनता से पूछते हैं और रैंडमली लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए यहीं के बाप जी। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम पंकज है। चश्मा आया एकदम बिल्कुल सलमान खान माफिक लग रहे हो आप जी। सर फेसबुक के स्टार भी, हमारा मिलियनों में वीडियो चलता है सर। अच्छा क्रिएटर हो जी? अरे वाह पंकज जी। जी सर, ये महाकाल लोक जो है जी सर, क्या इसको बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है क्या, ऐसा आरोप लगते रहे हैं जी? सर मुझे तो नहीं लगता है सर कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, और बल्कि बढ़िया ही निर्माण हुआ है सर। अब कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे सर। बड़ा व्यापार लोगों का, अच्छा व्यापार चल रहा है लोगों, जो पहला तो सन्नाटा रहता था ना पर, इससे और व्यापार बड़ा, ऑटो वालों का, राज वालों का, सबका, खाने वालों का, और धंधा बड़ा है ना पर, ऐसा तो कम हुआ नहीं है। सरकार ने बढ़िया काम किया है? बढ़िया काम किया मोदी जी ने हमारे। ठीक है, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है क्या जो आरोप लगते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बाकी कैसी व्यवस्था की है सरकार ने? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, मुसलमान सब चल रहे हैं। तो ठीक है, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है क्या कांग्रेस आरोप लगाती है? हुआ है मानते हैं आप? कैसे हुआ है? अच्छा कांग्रेस के हुआ। भाई ऑटो वाले भाई से पूछ रहे हैं, भाई क्या नाम है आपका? राहुल प्रजापति। राहुल भाई आप यहाँ पे क्या सवारियों को महाकाल मंदिर पहुँचाते हो? जी बिल्कुल, पूरा उज्जैन का दर्शन करवाते हो लोगों को? बिल्कुल कराते हैं। हाँ तो एक बात आपसे मुझे जाननी थी जी, एक आरोप लगते रहे हैं कि महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ है क्या? ये तो कुछ कह नहीं सकते, हुआ तो है। हुआ है बिल्कुल, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कैसे हुआ है, कैसे पता चला आपको? जैसे अभी थोड़ी सी आंधी तूफान चला, उसमें मूर्तियाँ गिर गई कुछ, हाँ भ्रष्टाचारी हुआ है, मान सकते इस चीज़ को। अच्छा हाँ, उसमें क्या बता रहा था, पन्नी वगैरह में खोखा वगैरह लगा दी तो उसके अंदर क्या, हाँ। लोकल मतलब मूर्ति, मतलब उसने मतलब जल्दी जल्दी है, मतलब आज कुछ रहा काम कर दिया था उसमें, तो मतलब ये गलत है ना, भ्रष्टाचार ही है तो जल्दी जल्दी में कर दिया था, अभी जल्दी जल्दी में कर दिया, भ्रष्टाचार नहीं है वो, भ्रष्टाचार है ना अभी होता बिल्कुल। अच्छा इनका कहना है कि जल्दी जल्दी में मूर्ति बना दी थी इसलिए गिर गया, भ्रष्टाचार नहीं है भाई का मानना है। अच्छा प्रणाम, क्या हाल है आपके? बस आनंद। कहाँ के रहने वाले हो? उज्जैन का। उज्जैन। बाल तो बड़े रंगवा लिए आपने एकदम, अच्छा लग रहा है, एकदम रंगीन लग रहे हो आप। ये बताओ ये महाकाल मंदिर में जो महाकाल लोक बना है, आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार किया गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मूर्तियाँ गिर गई थी तूफान आया था तो हवा से वजह से हो जाता है, हवा से मूर्ति गिर गई तो भ्रष्टाचार ही है ना भाई, लाखों रुपए खर्च हुए थे उसमें। शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत, हाँ नया नया बना तो सब काम होते हैं थोड़ा हल्के फुल्के। अच्छा आपके हिसाब से नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, यार का तो नहीं मालूम, मगर अभी जो ये आंधी तूफान आया था उस टाइम पे अंदर मतलब जिस तरीके से मूर्तियाँ टूटी थी उस टाइम कुछ ना कुछ तो घपलेबाजी थी इसमें। घपलेबाजी थी आप मानते हो? कुछ तो थी, क्योंकि जो पत्थर की मूर्ति होती है वो टूटती नहीं है, हाँ। पत्थर की मूर्ति भारी रहती, गिरती नहीं है, मगर जो हम यहाँ रहते देखा हमने इसको, हमारे घर के पीछे ही है महाकाल लोक, बेगम बाग से ही हम। अच्छा हाँ, तो जिस तरीके से वो टूटी उस तरीके से भ्रष्टाचारी तो हुई है कुछ, हाँ। इसलिए बहुत
मतलब करोड़ों का घपला हुआ है। नासिर भाई सरकार कैसा काम कर रही है अभी? तो चल तो काम तो चल ही रहा है, काम तो कोई रुक ही नहीं रहा, काम तो चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, काम तो चल ही रहा, काम तो कोई रुक ही नहीं रहा, सरकार तो काम तो कर रही है। भ्रष्टाचार क्या होता, तूफान है, आंधी तूफान हो जाता सब कुछ। अच्छा, अच्छे अच्छी चीज गिर जाए, इंसान उड़ जाते, क्या मतलब मानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो नहीं, मूर्ति गिर गए तो क्या उसमें क्या हो, आंधी तूफान में अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं, झाड़ के झाड़ गिर गए बड़े बड़े, ठीक है क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। एक चीज हमको जाननी थी चाचा कि महाकाल लोक जो है ये बना है, तो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है महाकाल लोक बनने में, हो रहा है क्या? बेहद हो रहा है, बेहद हो रहा है, आप मानते हैं? एक ही एक बात रहती जो आप कर रहे हो, हाँ। यही बात हो, चर्चा होती रहती है। आप बताइए कुछ नई बात बताइए जो आप कहेंगे भाई हम चर्चा करेंगे। बस मैं तो यही सुनता हूँ भैया, मैं तो उधर जाता भी नहीं कभी। अच्छा, यही सुनता हूँ लोगों से, हाँ, कि बहुत भ्रष्टाचार है, यही लोग बेचारे जो है ना ये काम करते हैं, हाँ, यही लोग बताते हैं पंडित लोग, भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा। आप क्यों नहीं जाते उधर? हम नहीं जाते उधर, ये तिब्बत जाएंगे बैठे रहे अपन, तो इससे आगे नहीं जाते। ऐसा तो नहीं है मतलब धार्मिक प्रतिबंध तो नहीं है? वही प्रतिबंध कि भाई वहाँ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही कौन रोकता है? नहीं मैं गया नहीं कभी, सुनता हूँ कि मैं जाना मत यार, रोकते हैं अब तो। अच्छा, हम तो पले बड़े यही हुए यार, ही मकान ही हमारा यहाँ से होता है। अच्छा, आपका घर यही है? यही है पूरा, वहाँ तक कोने तक। हाँ, क्या कर रहा है, दुकान भी अपनी है। दुकान आप ही की है? हाँ सब अपनी। अच्छा, ये वहाँ तक दुकान है सब अपनी। तो शहर में सब अमन चैन है? शहर में तो अमन चैन है, नफरत का माहौल तो नहीं है, सब ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल हुआ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हुआ है, सुना है हमने भी कि भ्रष्टाचार हुआ है, हाँ। इसकी देर तक तो हम भी नहीं गए, पर सुना है भ्रष्टाचार हुआ है। आया था उसके अंदर, हाँ, बारिश के सीजन में, हाँ, टूटा था, मूर्तियाँ टूट गई थी जी, मेरे हिसाब से तो ही लगता है भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी यहाँ उसके बनने के बाद स्कोप भी बहुत अच्छा आया, बिजनेस ठीक भी बहुत आई है, फायदे भी हैं उसके। जाधव जी, ये महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है क्या, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मोदी जी है जब तक एक नंबर काम हुआ है यहाँ पर, जब तक एक नंबर काम हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, थैंक यू बाबा। महाकाल है, भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि स्वयं है वो बाबा महाकाल है। ठीक है, थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। सबके व्यापार चल रहे हैं। अच्छा, सब कुछ चल रहा है महाकाल लोग बनने में, इनको अच्छा नहीं लगता, उनको बेकार लगता होगा चीज़ें। हाँ ठीक है ना, बाकी तो पूरा जैन चमन है उससे, हम लोग कमा रहे, सभी कमा रहे, बैठने वाला कमा रहा, सभी दुकानदार खुश हैं। हाँ दादा, आपको क्या लगता है महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार हुआ है? मैं बोलूँ नाराज तो नहीं होंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो तो मोदी जी से बोलो आपके 1500 रुपये बंद करें आप, हाँ, चूके दर्शन करने के। हाँ, मोबाइल में मंदिर में 5000-5000 रुपये लेते हैं एक पंडित पूजन। अच्छा, कराने का। हाँ, कितने? 5000 रुपये। अच्छा, 5000 रुपये लेते हैं, और उसके बाद में आपको भस्म आरती वगैरह करते हैं तो उसके 200 रुपये ऑनलाइन के। अच्छा, भस्म आरती वो भी छू के दर्शन नहीं कर सकते आप। हम्म, तो आम आदमी कैसे जाएगा दर्शन करने, बताइए आप, बताओ आम आदमी कैसे जाएगा? चलो आपने मतलब मान लो कॉरिडोर में पैसा लगाया, लगाया ना, तो आप इसी से हेड़ोगे, वो भी मान रहा, चलो ठीक है, पर कम से कम इतनी मदद तो करो यार, इतने दूर से आते हैं लोग दर्शन करने के, चलो यार महाकाल के दर्शन हो जाए, पैसे वाला दर्शन कर लेगा, और आम आदमी मालिक कसम, आप चलो मेरे साथ में, अभी पैसे बांटते हैं अपन, अभी हाल आपको छू के दर्शन करा के नहीं आऊँ तो बोलना, 5000 देना ले जाके आपको छू के दर्शन करा लगा, नंदी हाल में बैठा देगा और दर्शन करा देगा। आप क्या करते हो भैया? आप यही काम करता हूँ ना ही वहाँ। आपको नहीं था कि थोड़ा सा और सरकार को भी हजामत क्या हो सकता है, उसकी भी हजामत बनाना चाहिए? तो सबको जुड़ते हो तो, हाँ, सभी को जुड़ते हैं हजामत की भाई यार। अच्छा, किसको जुड़ते नहीं बताओ, बढ़िया भाई साहब, महाकाल लोक बन गए, इतना बड़ा बन गया, पब्लिक आमदनी बढ़ गई लोगों की, हम पहले 300 कमाते 1000 कमा, कितना फर्क हो गया, कितना मिल गया, पहले हम 300 कमाते थे अब हम 1000 रुपये रोज कमाते हैं। वाह, महाकाल लोक बनने से तुम्हें ठीक है, ऐसे थोड़ा बना था पहले, ठीक है, बताओ तुम, बताओ ठीक है। क्या नाम है भैया? प्रकाश गुप्ता सर। अच्छा गुप्ता जी, ये आरोप लगते हैं कि महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ जो महाकाल लोक बना, क्या सही है? सर ये तो लोगों की बातें हैं, बातों का क्या है, चुनावी मुद्दे हैं ये तो, उसका भ्रष्टाचार हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, काम हो रहा है। हाँ, क्या काम होगा, वहाँ माल तो खाता है। हाँ, आटे में नमक। हाँ, इतना ही काम होता है। हाँ, बाकी ऐसा कोई लंबा भ्रष्टाचार मेरी नज़र में तो नहीं हुआ कुछ।
थैंक यू गुप्ता जी सर, थैंक यू। तो ये थे उज्जैन के कुछ लोकल लोग जिनसे हमने पूछा कि क्या इस बार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या ऐसा है या नहीं, लोगों ने क्या जवाब दिए और कितने लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार हुआ है और कितने लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपने सुना, आपने देखा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।